दिल में रखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं आपको मैं अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकती तो उसमें कितनी मोहब्बत है, लेकिन किसी रवैये से जाहिर नहीं होती। तो मोहब्बत इजहार करने की चीज है कि आप बच्चे को बताएं कि मैं आपसे प्यार करती हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था, तो वहां से एक आदमी का गुजर हुआ। बैठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस शख्स से बहुत मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया, क्या तुमने उसे बताया? उसने कहा नहीं। फरमाया, उठो जाओ, उसको बता के आओ। हम सबको बच्चों से मोहब्बत है, लेकिन कितने बच्चों ने माँ की जबान से ये सुना कि बेटा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। हम डर के मारे क्यों नहीं बताते कि अगर उन्हें पता चल गया ना तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुननी, उन्होंने से बिगड़ जाएंगे। नहीं, उठिए और उनको बताइए। बताएंगे क्या? बहुत मुश्किल काम है, आदत ही नहीं है बताने की। एक बहुत बड़ी गलती है जो हम बचपन से करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे बेचारे चंद लफ्ज सुनने को तरसते रहते हैं और सोचते रहते हैं क्या वाकई हमारी माँ को हमसे मोहब्बत है। जितनी चाहे मोहब्बत करें, लेकिन जब तक बोल के नहीं बताएंगे बात नहीं बनेगी। फिर ये कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके लिए अल्लाह की मोहब्बत भी मांगे कि अल्लाह ताला मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन जैद और हसन को पकड़ के ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा, अल्लाह मुझे इन दोनों से प्यार है, तू भी इनसे प्यार कर। कभी हमने मांगा अपने बच्चों के लिए मोहब्बत? कभी नहीं मांगते। सिर्फ डांटना आता है, प्यार करना नहीं आता। बच्चे तो प्यार के होते हैं।